डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूर्णिमा दीक्षित बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक आपको पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम प्रथम संक्रमण श्रृंखला तत्वों के रसायन के बारे में पढ़ रहे हैं और जिसमें आज हम ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया कि किस तरीके से संक्रमण तत्व जो हैं ये परावर्तीय ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4s कक्षक और 3d कक्षकों में ऊर्जा अंतर इतना कम होता है कि 4s के साथ साथ 3d कक्षक में से भी इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं और परावर्तीय संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। आपने को पढ़ाया था मैंने कि किस तरीके से स्कैंडियम, जिसमें कि d1 इलेक्ट्रॉन है, तो स्कैंडियम जो है 4s2 इलेक्ट्रॉन के बाद आसानी से एक 3d इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके +3 स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, और इसका कारण यह है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकलने पर तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव का मान बहुत कम होता है, इसलिए आसानी से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और d0 विन्यास हो जाता है स्कैंडियम का और +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से टाइटेनियम में d कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसीलिए 4s के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 3d के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है और d0 विन्यास। वैनेडियम में अधिकतम +5 ऑक्सीकरण अवस्था, क्रोमियम में +6 और मैग्नीज में +7 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, पाई जाती है, परंतु ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्थायी नहीं होती। आपने पढ़ा था कि X+2 अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था जो तत्व हैं, वो जो धातु हैं, वो प्रदर्शित करती है। उस हिसाब से मैग्नीज में अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 हैं और +2 यानी 7, मैग्नीज अधिकतम +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, परंतु वेनेडियम की +5, क्रोमियम की +6 और मैग्नीज की +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं अधिक स्थायी नहीं होती हैं और ये इलेक्ट्रॉन लेकर के निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में अपचयित हो जाती हैं और ये जो है सामने वाले को ऑक्सीकृत कर देती है और खुद अपचयित हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है मैं आपकी बात होगी क्या? नहीं, जन आ जाए वो। +7 ऑक्सीकरण अवस्था से इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करके, इलेक्ट्रॉन ले करके ये मैग्नीज +4 में अपचयित हो जाते हैं, जबकि सामने वाले आयन को ऑक्सीकृत कर देते हैं। ये एक अच्छे ऑक्सीकारक हैं, वैनेडियम +5, क्रोमियम +6 और मैग्नीज +7 स्थिति में, ऑक्सीकरण अवस्था में एक अच्छे ऑक्सीकारक है। अगर देखा जाए तो ये सभी, स्कैंडियम को छोड़ दीजिए, टाइटेनियम से लेकर के कॉपर तक सभी तत्व जो है +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। अगर देखा जाए तो फ्लोराइड, ऑक्सीजन, ये जो लिगेंड्स हैं, इनके साथ, चूंकि ये बहुत अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो इनके साथ वैनेडियम +5 स्थिति में, क्रोमियम +6 और मैग्नीज +7 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में स्थायी यौगिक बनाते हैं। टाइटेनियम +4 d0 विन्यास के कारण स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, परंतु वैनेडियम +5, क्रोमियम +6 व मैग्नीज +7 d0 विन्यास होते हुए भी
तीव्र ऑक्सीकारक हैं। वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड यौगिक में फ्लोराइड के छोटे आकार व अत्यधिक विद्युत ऋणता के कारण वेनेडियम प्लस फाइव ऑक्सीकरण अवस्था में है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन के छोटे आकार और अधिक विद्युत ऋणता के कारण वेनेडियम VO4-3- CrO4-2- और MnO4- वेनेडेट आयन, क्रोमेट आयन और परमैग्नेट आयन जो हैं +5, +6 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थाई हैं, अन्यथा ये तीव्र ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करते हुए अपनी स्थाई ऑक्सीकरण अवस्था ग्रहण करते हैं। अब किसी तत्व में विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था का अपेक्षित स्थायित्व डी कक्षकों के रिक्त, अर्धपूरित या पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझाया जा सकता है। जैसे टाइटेनियम +4 अवस्था में D0 विन्यास के कारण टाइटेनियम +3 से अधिक स्थाई है। यहां पर 3D1 विन्यास है टाइटेनियम का, तो +4, +3 से अधिक स्थाई है। इसी प्रकार से मैग्नीज +2 ऑक्सीकरण अवस्था में और मैग्नीज +2 ऑक्सीकरण अवस्था में और आयरन +2, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में दोनों D3D5 विन्यास के कारण अधिक स्थायी है, क्योंकि हम जानते हैं 3D विन्यास अर्धपूरित विन्यास अधिक स्थायी होता है। संक्रमण श्रेणी के तत्वों में अम्लीय माध्यम में निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था व क्षारीय माध्यम में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। तो यही कारण है कि वायु में आयरन OH2 स्वतः ही आयरन OH3 में ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी आयरन +2 से +3 में ऑक्सीकृत हो जाता है, क्योंकि वायु का जो माध्यम है वो क्षारीय होता है और क्षारीय माध्यम में उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्थाएं अधिक स्थायी होती है। उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था में ये तत्व आयनिक यौगिक नहीं बनाते हैं, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के पश्चात नाभिक पर धनावेश बढ़ जाता है, अतः इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पाते और आयनिक यौगिक नहीं बन पाते। ये सहसंयोजक इनके जो भी बॉन्डिंग होती है, जो भी बंधन होते हैं, उसमें सहसंयोजक गुण होते हैं। तो स्कैंडियम यौगिकों में सर्वाधिक आयनिक गुण होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाने पर D0 विन्यास होता है, ये आयनिक प्रकृति के होते हैं। लेकिन सामान्य अकार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक गुणों के पाए जाने का कारण इन धातु आयनों का छोटा आकार भी है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, ऑक्सीकरण अवस्था के बढ़ने पर यौगिकों की अम्लता व क्रियाशीलता बढ़ती है। अम्लता बढ़ती है यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अवस्था के बढ़ने पर यौगिकों की अम्लता व क्रियाशीलता बढ़ती है। जैसा आपने देखा मैग्नीज +7 के केस में ये इलेक्ट्रॉन ले करके और निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में अपचयित हो जाते हैं और दूसरे को, सामने वाले को ऑक्सीकृत कर देते हैं, यानी ऑक्सीकरण प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। तो ऑक्सीकरण अवस्था के बढ़ने पर यौगिकों की अम्लता व क्रियाशीलता बढ़ती है, अतः टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड
Ti2O3, वेनेडियम ऑक्साइड V2O3, क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 उभयधर्मी और CrO3 अम्लीय होते हैं। ठीक है, क्रोमेट आयन जो है वो अम्लीय होते हैं। क्रोमियम प्लस सिक्स आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था में, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, अम्लीय प्रकृति। जब भी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं तो इनकी प्रकृति हो गई अम्लीय। संक्रमण धातुएं पाई इलेक्ट्रॉन लिगेंड के साथ शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में भी यौगिक बनाती हैं। ये लिगेंड धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर सिग्मा बंध बनाते हैं, जबकि धातु अपने ऊपर ऋणावेश को या इलेक्ट्रॉन्स का जो आवेश एकत्रित हुआ है उसको कम करने के लिए डी कक्षकों से इलेक्ट्रॉन युग्म, जो भरे हुए धातु पर डी कक्षक है उनसे इलेक्ट्रॉन युग्म लिगेंड के विपरीत बंधी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या आणविक कक्षक पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके और कर देती हैं, जिससे कि धातु आयन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है। इसमें इसको हम कहते हैं पश्चबंधन या बैक बॉन्डिंग। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन लिगेंड कौन कौन से हुए, कार्बोनाइल्स, नाइट्रोसिल्स, नाइट्रोजन, इथिलीन, ये सारे के सारे पाई जो हैं इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स हैं, जिनभर की जो कि पाई बंद बनाते हैं धातु आयन के साथ। संक्रमण तत्वों की प्लस टू व प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था वी अनुपातीकरण नियम का पालन करती है, अर्थात एक ही समय में अपने से कम व अधिक दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तित हो जाती है। अगर देखें तो मैग्नीज प्लस थ्री जो है वो एक ही समय में मैग्नीज प्लस टू और प्लस फोर में परिवर्तित हो जाती है, जो कि वी अनुपातीकरण नियम कहलाता है। तो यहाँ पर हम ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में पढ़ रहे थे, किस तरीके से सामान्य रूप से स्कैंडियम को छोड़ के बाकी सभी धातुएं जो हैं प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, अधिकतम एक्स प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होती है। टाइटेनियम के केस में D2 आयन है और एस कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन साथ में निकल के अधिकतम प्लस फोर ऑक्सीकरण अवस्था। वेनेडियम D3 आयन है और दो एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन मिला के प्लस फाइव अवस्था। क्रोमियम D4 आयन है और दो एस कक्षक के, या यूं कहें D5 आयन और फोर एस कक्षक के एक इलेक्ट्रॉन मिला के प्लस सिक्स ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, जबकि मैग्नीज प्लस सेवन ऑक्सीकरण अवस्था तक प्रदर्शित करता है, लेकिन बहुत अधिक विद्युत ऋणी लिगेंड्स के साथ ही ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं रह पाती हैं, अन्यथा ये सभी धातुएं अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था पे अच्छे अपचायक की भांति व्यवहार करती हैं और खुद स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में अपचयित हो जाती हैं इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करके। तो आज अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था, और जो है इसके बाद अभी अब हम जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्वों के ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया, जो कि आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि इसको जो है हम द्वितीय संक्रमण श्रृंखला और तृतीय संक्रमण श्रृंखला तत्वों के साथ जब ऑक्सीकरण अवस्थाओं का कंपेयर करेंगे, उनको जब हम तुलना करेंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि किस तरीके से प्रथम संक्रमण श्रृंखला तत्वों में
जो तत्व हैं वो भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। कुछ स्थायी अवस्थाएं होती हैं और कुछ अस्थायी। तो आगे अगले लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे उत्प्रेरकी गुण, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कैटालिटिक कैरेक्टर होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आज यहीं पर हम विराम देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।